हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अजय टकरिया और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फंकी बाई में। दोस्तों, लावा ने जो है एक नया मोबाइल फोन रिलीज किया है। मोबाइल का नाम है लावा बीयू और ये जो मोबाइल फोन है खास वुमेन्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है। खास जो औरतें होती है उनके यूज के लिए जो है ये मोबाइल फोन लॉन्च किया गया है। बहुत ही स्पेशल यहाँ पे है क्योंकि कोई कंपनी जो है ऐसा खास एक एक जो है पार्टिकुलर एक अलग से एक एक लोगों के लिए जो है एक अलग से एक लोगों के लिए जो है कोई मोबाइल फोन जो है लॉन्च कर दे, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। यहाँ पे लावा ने ये काम करके दिखाई दिया है। देखते हैं कि भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है यार। आपने आपके साथ कुछ अजीब हुआ है लाइफ में कुछ इस तरीके का कि आपके लिए कोई स्पेसिफिक चीज, आपके लिए किसी ने कोई चीज बनाई हो, मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम सिंपली जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं और टोटल चीज डिस्कस कर लेते हैं, टोटल चीज आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने अगर हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से नीचे आपको जो है सब्सक्राइब और लाइक का बटन मिल जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक दोनों ही एक साथ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्टली लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग द ऑल न्यू बीयू बाय लावा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री इंस्पायर्ड बाय वुमेन्स। प्राइस भी लिखा हुआ है 6888, मतलब की 6888 रुपए का ये मोबाइल फोन है। और टोटल ये चीज आप भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सादा सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले का फीचर सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका जो स्क्रीन साइज होने वाला है वो 6.08 का एक नॉच एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 2.5D कर्व स्क्रीन है, ठीक है। साथ में इस मोबाइल फोन में आपको कोई भी जो है कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास नहीं देखने को मिलेगा, मतलब की प्रोटेक्शन के नाम पे जीरो। और साथ में इस मोबाइल फोन का जो रेजोल्यूशन है वो आपको एचडी प्लस बताई दिया। साथ में इसमें जो पीपीआई दिया गया है, मतलब की पिक्सल डेंसिटी, वो 281 है, तो मेरे हिसाब से लगभग जो है ठीक है। और साथ में इसके कैमरे फीचर के बारे में आपको बता दूं, कैमरा आपको यहाँ पे बैक साइड में जो है दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 13MP प्लस 2MP का आपको AF कैमरा देखने को मिलेगा विद LED फ्लैश, ठीक है, जो कि 1.85 FHR के साथ आएगा। अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो फ्रंट में आपको 8MP का विद फ्लैश के साथ देखने को मिलेगा, जो कि 2.2 FHR के साथ आता है। तो कैमरे के हिसाब से मोबाइल फोन काफी ज्यादा अच्छा है। प्राइस रेंज के हिसाब से भी कैमरा काफी अच्छा दिया गया है। साथ में इस मोबाइल फोन में आप HD में 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। HDR मोड, नाइट मोड वगैरह आपको हर एक चीज इस मोबाइल फोन में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं मेमोरी के ऊपर, ठीक है। मेमोरी आपको इस मोबाइल फोन में देखिए यहाँ पे दिया गया है 2GB आपको मेमोरी देखने को मिलेगा, जो कि DDR4 है। देखिए रैम यहाँ पे जो है काफी मतलब पुराना क्वालिटी यूज किया गया है, ऐसा नहीं कहता हूँ बहुत ज्यादा पुराना, लेकिन थोड़ा पुराना तो है। साथ में 32GB का आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। आप अगर अलग से अगर मेमोरी कार्ड अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे 256GB आप अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। बैटरी की बात करो तो यहाँ पे आपको 4060mAh की एक टाइप पॉलीमर बैटरी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे चार्जिंग टाइम लेता है ना वो यहाँ पे 3 hours 10 minutes लेता है। यहाँ पे चार्जिंग टाइम भी लिखा हुआ है, ये बहुत ही अजीब सी बात है, मैंने अभी तक ज्यादातर मोबाइल फोन में नहीं देखा है। तो यहाँ पे 3 घंटा से थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है चार्ज होने में, तो यहाँ पे एक तरफ से देखा जाए तो काफी स्लो चार्ज ये मोबाइल होता है भाई, तो ये काफी अलग बात है। यहाँ पे टाइप सी टाइप सू ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरनेट की बात कर लेते हैं तो ये मोबाइल तो आपको ऑब्वियसली ऑडियो 3.5mm का जैक के साथ मिलेगा, ऑडियो जैक आपको इस मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ में मल्टीमीडिया वगैरह ये सब तो अपने को कोई काम की बात नहीं है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ऑदर्स में देख लेते हैं। ऑदर्स में भी कुछ नहीं है। हम सीधा चलते हैं ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे टच करते हैं। हाँ, प्लेटफॉर्म में ये मोबाइल फोन आपको यहाँ पे 4G वोल्टी देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 10 गो के ऊपर है, तो भाई आपको यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड गो का सपोर्ट देखने को मिलता है, ये काफी अच्छी बात है। आपको एकदम क्लीन UI देखने को मिलेगा इस मोबाइल फोन में, एकदम क्लीन, ठीक है, एकदम क्लीन, आपको कोई भी कचरा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर जो दिया गया है ना भाई, ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर तो है लेकिन 1.6 GHz के ऊपर रन करता है,
तो देखिए भाई, तो इस मोबाइल फोन में अगर गेमिंग सेविंग अगर आप करना चाहते हो एक हाई क्वालिटी का, तो भाई आप भूल जाओ, इस मोबाइल फोन में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मीडियाटेक का यहाँ पे G25 अगर यूज किया गया होता तो मेरे हिसाब से, या 35G जो है वो भी ठीक है प्रोसेसर, उसको भी अगर इस मोबाइल फोन में लगा दिया होता लावा, तो ये मोबाइल फोन जो है काफी अच्छा हो सकता था। बाकी में दोस्तों, मैंने इस मोबाइल के ऊपर जो है काफी ज्यादा रिसर्च किया और मुझे इस मोबाइल का और कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया कि आखिर क्या है क्या नहीं है। भाई टोटली देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको मनी वेस्ट कहूंगा इस मोबाइल फोन का, यहाँ पे टोटल फ्यूचर देखने के बाद। हाँ, लेकिन इस मोबाइल फोन में एक चीज काफी अच्छा किया गया है कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो साइज है वो अच्छा देखने को मिलता है, साथ कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसमें काफी सारे बुरी चीजें हैं। खास करके जो प्रोसेसर है वो काफी एकदम लो क्वालिटी का है, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई भी अच्छी खासी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलती है इस मोबाइल फोन में। तो फिलहाल तो ये मोबाइल फोन लेने का यहाँ पे कोई भी माइंड नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से कि इस मोबाइल फोन को परचेस किया जाए। लेकिन हाँ, आपको बता दूं एक खुशखबरी कि यहाँ पे लावा जो है और 3 नए मोबाइल फोन जो है लॉन्च करने वाला है January 5 तक। तो देखने वाली बात है, उसका जो प्राइस होने वाला है ना 5,000 से लेकर 15,000 के बीच होने वाला है। तो देखने वाली बात है वो जो 3 मोबाइल फोन निकलेंगे वो क्या अच्छे मोबाइल फोन होंगे या नहीं होंगे, वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो आप इस मोबाइल फोन को मत लीजिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ भी नहीं। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गुड लक।